लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। विजय नाटा फाउंडेशन ने आज सीउट सेक्टर 44 इलाके में खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम चलाया, जहां शिवसेना के विभाग प्रमुख समीर बागवान के जरिए यहां के जरूरतमंद नागरिकों और मुस्लिम परिवारों को राशन किट बांटी गई। इस अवसर पर उप जिला प्रमुख मिलिंद सूर्यराव, दिलीप घोड़ेकर, शहर प्रमुख विजय माने और समीर बागवान समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। शिवसेना नेताओं ने कहा कि विजय नाटा फाउंडेशन हर तबके और हर इलाके में यह खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम चला रहा है ताकि लॉकडाउन की मुसीबत झेल रहे लोगों को राहत मिल सके। लॉकडाउन की मुसीबत के बीच आज विजय नाहटा फाउंडेशन ने सीउड सेक्टर 44 ए के मुस्लिम बहुल इलाके में खाद्य सामग्री का वितरण किया। विभाग प्रमुख समीर बागवान और जैस्मिन बागवान की मदद से यहां सैकड़ों नागरिकों, कामगारों और मुस्लिम परिवारों को मुफ्त राशन किट बांटी गई। इस अवसर पर उप जिला प्रमुख मिलिंद सूर्यराव और दिलीप घोड़ेकर, शहर प्रमुख विजय माने खासतौर पर मौजूद थे। शिवसेना नेताओं ने कहा कि लोग कोरोना और लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी में हैं, ऐसे में उनके लिए विजय नाहटा फाउंडेशन द्वारा अनाज की मदद एक बड़ी राहत है। गेली दीड वर्ष या कोरोनाच्या महामारीमध्ये आदरणीय शिवसेना उपनेते विजय नाहटा साहेब यांच्या विजय नाहटा फाउंडेशनच्या वतीनं व शिवड विभाग शिवसेनेच्या वतीनं या ठिकाणी आज या अन्नधान्याचे किट वाटप चालू केलेलं आहे। खरं वास्तविकता या शिवसेना शाखेचे आमचे शिवसेना विभाग प्रमुख आदरणीय समीरजी बागवान आणि त्यांच्या सौभाग्यवती जस्मिनजी बागवान यांनी या कार्यक्रमाचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी या विभागातील जे मुस्लिम समाज आहे किंवा मुस्लिम बांधव आहेत किंवा या विभागातील राहणारे रहिवासी आहेत यांना या ठिकाणी अन्नधान्याचं किट देण्यात येत आहे। खरं वास्तविकता रमजान सण चालू आहे, या पवित्र रमजान सणामध्ये अशा प्रकारचं सुत्य कार्यक्रम या ठिकाणी होता है। मैं आदरणीय विजयजी नाटा साहब यांचं मनापासून आभार मानतो। वही राशन किट बांटने वाले जैस्मिन समीर बागवान ने कहा कि विजय नाहटा फाउंडेशन के जरिए सीउट सेक्टर 44 से में खाद्यान्न बांटने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वहीं राशन पाने वाले नागरिकों ने भी समीर बागवान और शिवसेना नेता विजय नाहटा की तारीफ की, जिनके जरिए इस मुश्किल घड़ी में उन्हें मदद मिल रही है। हम लोग ने शिवसेना के तरफ से यहाँ पे विजय जी नाहटा साहब की तरफ से हम लोग ने यहाँ पे शिरकुरमे का सामान और पूरा किराना का सामान रखा है, मुस्लिम लोगों के लिए भी और दूसरे महाराष्ट्र लोगों के लिए उनके लिए भी रखा है। हमने अभी तक 100 किट सबको दिए हैं और आगे भी देंगे। हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे सबको मदद। और सब लोग ने अपना सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, ये भी खबरदारी करना बहुत ज़रूरी है। खासकर महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, जिसके वजह से महाराष्ट्र में जो बीमारी कम हुई है और बीमारी की वजह से जो लोग परेशान हैं उनके लिए विजय नाहटा साहब और समीर बागवान साहब इन लोगों ने ये अपना किट का इंतज़ाम किया और लोगों को तकसीम करने का इंतज़ाम किया। और ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो लोगों ने परहेज़ भी किया है और अपने घरों में इबादत किया है और इबादत कर भी रहे हैं, कुछ दिन बाकी है, और दुआ कीजिए महाराष्ट्र सरकार के लिए और महाराष्ट्र के लोगों के लिए खासकर, और ख़ासकर इंडिया के लोगों के लिए कि ये बीमारी दूर हो जाए इंडिया से। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।